इसका मतलब आलोक वत्स जी 64-60 सीट का आंकड़ा पार करना बीजेपी के लिए संभव नहीं होगा फिर उत्तर प्रदेश में, ये आप कहना चाह रहे हैं? अभी की जो स्थिति है, अगर ये पुराने टैली को भी अगर उसके आसपास भी आ गए तो इनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट। डॉक्टर गिरीश सर, मेरा अपना आकलन है दे विल बी बिलो 60। डॉक्टर गिरीश शर्मा, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आलोक जी ने ठीक कहा, बीजेपी से इस बार नाराजगी भी ज्यादा है, दो बार सरकार चलाने के बाद जो होना स्वाभाविक भी है। और दूसरे, इस एरिया में जब मैं घूमता हूँ, आप समझ लीजिए मैं एक बड़ा घुमक्कड़ भी हूँ, तो मैं देखता हूँ इस एरिया में जाट और गुर्जरों के जो लड़के हैं वो शाम और सुबह सड़क के किनारे दौड़ लगाते हुए आपको आसानी से दिख जाएंगे। वो सब आर्मी में जाने की और जो फोर्सेज हैं उनमें जाने की तैयारियों में लगे रहते हैं, लेकिन जो अग्निवीर आया है उन्होंने उनको अंदर से हिला दिया है कि 4 साल बाद उनको बेरोजगार होकर के घर तक आना है। दूसरे, आज मैंने ये बात किया कि जो कतारें लग रही थी इन जिलों में, इन सीटों पर, उसमें युवाओं की तादाद बहुत ज्यादा थी, और जब मीडिया पर्सनल उनसे सवाल कर रहे थे तो वो पिछली साल की तरह वोकल नहीं थे, पिछले चुनाव की तरह। पिछले बार वो कहते थे मोदी मोदी, इस बार वो चुप थे, और उनका ये चुप ये बताता है कि वो मोदी जी के पक्ष में इस बार नहीं है। पेंशन का मुद्दा भी है, महंगाई का मुद्दा भी है। आज सवेरे ये न्यूज तैरने लगी, उत्तराखंड में चुनाव होते ही बिजली के दाम बढ़ा दिए गए, गैस के दाम बढ़ा दिए गए। उत्तर प्रदेश में ये खबर तैरने लगी कि जैसे ही चुनाव हो जाएगा उत्तर प्रदेश में भी बिजली के दाम बढ़ेंगे। इन चीजों ने भी लोगों को प्रभावित किया है। और मैं एक बात और बता दूं, आजकल जो सोशल मीडिया है, मोदी जी का आज रोड शो है, मीडिया कवरेज कर रहा है, बहुत बड़ा रोड शो है बरेली में, लेकिन कई आबादी जिन इलाकों में रोड शो होने वाला था वहां गैस की पाइपलाइनें बंद कर दी गई, पानी की पाइपलाइनें बंद कर दी गई, किसी के घर पे कोई मिलने नहीं आ सकता, इस तरह की एक इमरजेंसी वहां लागू की गई। लोगों का जनजीवन बड़ा खतरे में पड़ गया, उनको बड़े संकट का सामना करना पड़ा, और ये पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक दूसरे को खबरों का आदान प्रदान लोग कर रहे थे। तो ये जो छोटी छोटी चीजें लगती हैं, ये इस बार बीजेपी के लिए एक बड़े खतरे की तरह खड़ी हो गई है। और वो ठीक कहा आलोक जी ने कि पिछला आंकड़ा भी पार कर जाए तो शायद एक बहुत बड़ी बात होगी। आलोक जी, आप हाथ उठा रहे हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मेरा ये कहना है कि बीजेपी के जो वर्कर्स हैं, हार्डकोर वर्कर्स, वो अंदर से हिले हुए हैं। क्यों? लेकिन उनमें उनमें 116 उम्मीदवार हैं लोकसभा के, जो दूसरे दल के आके लोगों को टिकट दिया गया है। 116 ऐसे लोग हैं जो उसमें मोस्टली कांग्रेस के हैं और जिनके बारे में कहा जाता था कि ये करप्ट है। तो वर्कर हिला हुआ है, लेकिन जैसे कि सेंटर में किसी की हिम्मत नहीं है, मिनिस्टर की या कोई बड़े पद पर बैठे हुए आदमी की, कि वो रिजेंटमेंट दिखाए, वैसे ही ये तो छोटा वर्कर है। तो इसने क्या किया, ये शिथिल हो गया चुनाव। आप अभी कह रहे थे ना बागपत की बात, सनवा जी, कि वर्कर निकला नहीं, वही हाल बिहार में हुआ है। बीजेपी वर्कर टर्नआउट नहीं किया है, जैसे वो पकड़ पकड़ के, हाथ पकड़ के, पैर पकड़ के बूथ तक ले जाता था लोगों को, वो उसने ये कवायद नहीं किया इस बार, क्योंकि वो अंदर से दुखी है। उसको उसके लिए वोट मांगना पड़ रहा है जिसने उसको सालों साल गाली दी है। चलिए, सहनवाज जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं व्हाट्सएप की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैंने ये महसूस किया, और मैंने जैसा अभी हमारे विशेषज्ञ ने भी कहा कि एक तो जो बीजेपी का, गिरीश जी ने कहा, जो बीजेपी का वोटर होता है या सपोर्टर होता है वो वोकल होता है, इस बार वो वोकल नहीं था। और दूसरा, जब हम लोग क्षेत्र में गए, लोगों से बात की, तो बीजेपी के कार्यकर्ता में उतना उत्साह नहीं दिख रहा है। और उत्साह ना दिखने का एक बड़ा रीजन है कि जो बाहर से दूसरी पार्टियों से लोग आए हैं, उम्मीदवार आए हैं, उनके बारे में एक नाराजगी है कि भाई उनको क्यों लिया जा रहा है। बीजेपी का कार्यकर्ता क्या कम पड़ जाता है कि आप कांग्रेस से लेकर के आए, करप्ट लोगों को लेकर के आए? पहले तो हम इनको बोलते हैं बेईमान है, और फिर हमें उनके लिए झंडे उठाने पड़ते हैं, तो हम तो उनके लिए काम नहीं करेंगे। ये माहौल मुझे कई जगह देखने को मिला।
तीसरी चीज जो मुझे लग रहा है कि अभी जो 400 पार का नारा दिया और उसको बोलना बंद कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, वो जो एक मैसेज अपोजिशन दे पाने में जनता को कामयाब रही कि ये लोग 400 सीटें इसलिए लाना चाहते क्योंकि संविधान बदल देंगे, जबकि उसमें कोई सच्चाई नहीं है और संविधान बदलने के लिए 400 सीटों की भी जरूरत नहीं है। मैं संविधान का विशेषज्ञ तो नहीं कहूंगा लेकिन नॉलेज तो है मुझे, मैं जानता हूं। हाँ, 400 की कोई जरूरत नहीं है उसके लिए, लेकिन क्या होता है कि एक परसेप्शन होता है राजनीति में, तो परसेप्शन अपोजिशन बनाने में कामयाब रहा और कई बीजेपी के उम्मीदवारों ने भी ये गलत बयानबाजी की कि हमें संविधान में कुछ परिवर्तन करने हैं। जैसे अरुण गोविल जी का अभी एक बयान उनके मेरठ में बहुत चल रहा है कि भाई मोदी जी ने अगर कुछ कहा है 400 सीटें तो सोच कर ही कहा है, और अगर बदलने की जरूरत है कुछ संविधान में तो बहुत पहले भी बदला हुआ है, फिर भी बदला जा सकता है। मेरे हिसाब से ऐसे बयानों से बचना चाहिए बीजेपी के उम्मीदवारों को और कार्यकर्ताओं को मनाने की कोशिश करनी चाहिए। अभी भी बहुत बड़ा चुनाव है, 5 फेज बाकी है अभी, अभी अगर बना लिया गया तो अभी बहुत समय है, चीजें ठीक हो सकती हैं, इतनी भी चीजें खराब नहीं है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जो दूसरी पार्टी के उम्मीदवार हैं और करप्शन का जो एक मुद्दा है, इलेक्टोरल बॉन्ड का भी कुछ हद तक लोगों के बीच में मैसेज गया कि वहां कुछ गड़बड़ है, और जो उम्मीदवार लिए गए खासकर से जो दूसरी पार्टियों के करप्ट नेताओं को बीजेपी ने लिया, वो एक गलत मैसेज युवाओं में जा रहा है। चलिए, अब सवाल ये उठता है कि अगर हम इस फेज को देखें तो इस फेज में सबसे ज्यादा टिकटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, अमरोहा, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर। अगर बीजेपी के लिए खराब हो रहा है तो बेहतर किसके लिए होगा, कांग्रेस के लिए या बहुजन समाज पार्टी के लिए? अनुपम जी, मेरा यह आपसे सवाल है कि बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस के लिए तो बिल्कुल बेकार होने वाला है, कांग्रेस ने तो गलत उम्मीदवार उतारे और कांग्रेस को नहीं नहीं, अरे तो कांग्रेस सपा का अलायंस है ना, 8 में से 4 सीटों पे कांग्रेस लड़ रही है, इसीलिए मैं आप सभी महानुभावों को सुन रहा था और इसीलिए मेरे मन में यह सवाल आए कि 4 सीटों पर वो अमरोहा, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर। चलिए, आपने कहा गाजियाबाद नहीं हारेगी बीजेपी चाहे जो भी हो, जबकि गाजियाबाद से भी कहा जा रहा है डॉली शर्मा बहुत शानदार चुनाव लड़ रही। नहीं 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 नहीं, नहीं इतना आप कह रहे हैं अमरोहा दानिश अली हार रहे हैं और मेरठ फंस रहा है, तो मेरठ फंस रहा है तो कौन फंसा रहा है, मतलब किसको एज है? बीएसपी जीत रही है या कांग्रेस जीत रही है? समाजवादी को एज है, समाजवादी को एज है। नहीं, समाजवादी तो लड़ी नहीं रही है। मेरठ, मेरठ में कौन लड़ रहा है? मेरठ में कांग्रेस, हाँ, वहां तो समाजवादी लड़ रही है, कांग्रेस नहीं लड़ रही है, समाजवादी लड़ रही है मेरठ। अरे समाजवादी लड़ रही है, वर्मा वर्मा उनकी प्रत्याशी है। हाँ हाँ, सुनीता वर्मा, सुनीता वर्मा। बुलंदशहर में किसको एज है? सवाल यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था अनुपम जी, कि कांग्रेस के प्रत्याशियों की क्या हालत है? अगर बीजेपी की बुरी हालत है तो पंकज भाई, जब जातिगत आधार पे कहा जाता है कि पुंडीर ठाकुर वोट ले लेंगे, त्यागी त्यागी वोट ले लेंगे, मुझे आश्चर्य होता है डॉली शर्मा का जिक्र नहीं होता है। ये महिला पिछली बार कांग्रेस से लड़कर गठबंधन और भाजपा के सामने 1,12,000 वोट लेके आई, मतलब सिवा अमेठी और रायबरेली के आप मुझे तीसरी जगह बताएं जहां कांग्रेस से कोई आदमी इतना वोट ला रहा हो। मतलब इन्होंने 2014 में भी वोट ला के दिखाया, 2019 में भी वोट ला के दिखाया, और जब कांग्रेस अकेले लड़ रही थी तो भी 1,12,000 वोट ले आती, उनके बारे में कोई नहीं कहता कि उनको ब्राह्मण वोट मिल जाएगा, ब्राह्मण वोट उनकी तरफ आकर्षित हो जाएगा, क्षत्रिय वोट आकर्षित हो रहा है, त्यागी वोट आकर्षित हो रहा है, चाइनी वोट, बोलने दे तो क्षत्रिय वोट आकर्षित हो रहा है, त्यागी वोट आकर्षित हो रहा है, सैनी वोट आकर्षित हो रहा है सजाति की तरफ, राजभर वोट आकर्षित हो रहा है, अयोध्या में ब्राह्मण वोट जा रहा है। डॉली शर्मा के बारे में अब तक मैंने इतने चैनल पर सुबह से बोलते बोलते गला सूख गया, एक बंदा नहीं बोला कि डॉली शर्मा को ब्राह्मण वोट जा सकता है, जबकि बंदी 1,12,000 अकेले अपने दम पे ले आती है, और वो भी एक चुनाव नहीं दो दो चुनाव ले आती है, 2014 में भी ले आती है और 2019 में भी ले आती है। मुझे लगता है अपने चुनाव वो नहीं जीत रही है, लेकिन मुझे उनके साथ ही बड़ी नाइंसाफी लगती है, साहब वो चर्चा में भी नहीं है। मैं समझता हूं कि रायबरेली और अमेठी के बाद अगर कहीं चुनाव लड़ा कांग्रेस ने तो डॉली शर्मा ने चुनाव लड़ा,
और अब तो वो अनुपम जी, अनुपम जी अगर एक मिनट अगर डॉली जी बीजेपी के उम्मीदवार बन करके गाजियाबाद से लड़े तो ह्यूज मार्जिन से जीत जाएंगे वो। समस्या ये है कि वो ये कोई बात नहीं हुई ना। अगर नहीं यही को कहा और इस बार उनके इस बार उनके वोट दुगने होंगे उस बार उनके वोट। बात तो सुने हमारी शर्मा जी, मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जब कहा जाता है कि पुंडीर जी छतरी वोट काट रहे हैं, राणा साहब छतरी वोट काट रहे हैं, त्यागी कैंडिडेट त्यागी वोट काट रहा है, वैश्य कैंडिडेट वैश्य वोट काट रहा है, सैनी कैंडिडेट सैनी वोट काट रहा है, राजभर कैंडिडेट राजभर वोट काट रहा है, अयोध्या में ब्राह्मण कैंडिडेट ब्राह्मण वोट काट रहा है, और ये सारे वोट भाजपा के कट रहे हैं। तो डॉली शर्मा का इसमें जिक्र क्यों नहीं होता? मैं मतलब इतने में पैनल से बोला, एक बंदे ने नहीं कहा कि साहब डॉली शर्मा भी वोट काट सकती है। डॉली शर्मा जीतनी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मुझको मैडम के साथ ये अन्याय लगता है कि उनको लेके कोई नहीं कहता कि यार क्या चुनाव लड़ी है और खूब लड़ी, मर्दानी हो तो झांसी वाली जानी, 14 में इतना बढ़िया लगी लड़ी, 19 में इतना बढ़िया लग रही, बार बार कह रहा हूं कि अमेठी और रायबरेली के बाद 1,12,000 वोट अपने दम पे लेके चलिए। बहरहाल हैविंग सेड दैट, आप देखें कि अमरोहा में हम सब सहमत हैं कि दानिश अली हार रहे हैं। हालांकि मेरे लिए आज भी ये थोड़ा सा राज की बात रहेगी, मुझे लगता था कि दानिश अली को एक वहां सिंपैथी वोट मिलना चाहिए क्योंकि संसद में उन्होंने मुसलमान होने के नाते आलोचना सही अपशब्द सहे। बहरहाल क्यों नहीं मिले, ये एक लोकल इशू हो सकता है। डॉली शर्मा हमेशा की तरह अच्छा, चीज ऐड कर देता हूँ इसमें, एक चीज ऐड कर देता हूँ, मैं वहां से होकर आया इसलिए बता रहा हूँ आप सबके लिए भी नॉलेज के लिए। वहां हुआ क्या है, उन्होंने 5 साल सांसद रहते काम ही नहीं किया, मिले ही नहीं लोगों से। मैं जब लोगों से मिल रहा था तो मैंने पूछा भी, ये भी उनसे क्वेश्चन किया कि यार इनको या तो बदनामी हुई, इनको बदतमीजी की गई। उन्होंने कहा वो उनकी व्यक्तिगत थी बदतमीजी, बदनामी सदन में बहस होना, लेकिन सांसद के तौर पर इन्होंने हमें पर्चा लिखने के लिए भी हमें ढूंढना पड़ता था, दानिश अली साहब मिलते नहीं थे, तो ये एक बड़ी समस्या थी व्यक्तिगत रूप से। दूसरे दूसरे वो बीएसपी से अगर लड़ रहे होते तो सिंपैथी वोट उन्हें मिल सकता था, कांग्रेस उतनी मजबूत नहीं जितनी बीएसपी है, मिल सकता। आप कुछ कह रहे थे अनुपम जी? जी हम, मैं कुछ नहीं, बहुत कुछ कह रहा हूँ। पंकज जी मेरे कहने पे अगर तीनों स्पीकर बोल रहे हैं तो कुछ तो खास कह ही रहा हूँ। अगर मेरे कहने पे पूरा पैनल उबल पड़ा तो कुछ तो बोल ही रहा हूँ। बहरहाल तो एक तो ये रही बात कांग्रेस की, दूसरी बात अभी तक के पूरी 16 सीटों का चुनाव, देखिए मैं योगेंद्र यादव नहीं हूँ, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं शर्मा जी की तरह घुमक्कड़ नहीं हूं, मैं शहनवाज जी की तरह मैंने सीट वाइज आकलन नहीं किया जाके जमीन पर, लेकिन एक 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 पत्रकारिता में मैंने भी एक जीवन बिताया और एक छोटी सी बात जो मुझे बार बार लगती है कि देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं हमेशा कहता हूं शाहजहांपुर के आगे संभल छोड़ के यादव नहीं मिलता है, उसके बाद भी मुसलमानों की पहली चॉइस समाजवादी पार्टी रही, उसके बाद भी साइकिल पे बटन दबता रहा ये जानते हुए कि इनमें से तमाम सीटें ऐसी थी जिसमें अगर वो बसपा को वोट दे देते तो दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन के बाद वहां तीसरी जात तीसरे धर्म तीसरे वर्ग की जगह बचती ही नहीं। दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन इन तमाम सीटों पे अपने आप में 50-60-70% तक हो जाता है। आप देखिए नगीना की सीट पे 71% मुस्लिम 2011 की सेंसस बताता है, लेकिन उसके बाद भी अभी भी मुसलमानों की पहली चॉइस समाजवादी पार्टी साइकिल पे बटन दबाने की आदत आपको नजर आती है, जबकि सपा 14 हारी 17 हारी 19 हारी 22 हारी निकाय चुनाव 2-2 हारी और मुसलमानों ने उनको 91% वोट देके सिर्फ एक तवक्को की थी कि साहब भाजपा को रोक दीजिए, फिर मुसलमानों में ये भी फीलिंग आई कि भाई तुमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन उसके बाद भी उनकी फर्स्ट चॉइस है। अभी मेरठ की बात हो रही थी, कल भी शायद बात हुई थी, कल भी मैंने कहा था कि मेरठ में समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पे है, वहां चुनाव भाजपा और बसपा के बीच में है, वहां पे जब से हाजी यकूब कुरैशी लौटे, और देखिए कोई पहली बार नहीं हो रहा है पंकज भाई, अभी आपने मेरठ में मेयर चुनाव में देखा सपा तीसरे नंबर पे चली गई, अरे MIM जीत गई उनसे, आप सोचे मेरठ में सपा का ये हाल है। और मेरे पास जो जानकारी आ रही है, मेरे जो PCR में एक दोस्त हैं उनका घर अलीगढ़ है, मैंने भी कुछ लोगों से बात की है, अलीगढ़ में ये बात कही जा रही है कि बीजेपी की स्थिति थोड़ी डामाडोल है, लेकिन दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि बीजेपी से लड़ने वाली पार्टी वहां बसपा है,
सपा तीसरे नंबर पर है। अब पता नहीं ये तो चुनाव परिणाम के बाद सामने आएगा कौन दूसरा है, कौन पहला है, कौन तीसरा है, लेकिन इस तरह की बात कही जा रही। ये तो यही तो मैं दो दिन से कह रहा हूँ पंकज भाई, और लेकिन अब आपने भी टोक दिया तो एकदम कोरम ही कंप्लीट हो गया। मतलब मैं कुछ बहुत ही शानदार तो मेरठ में मैं लगातार दो दिन से तीन दिन से कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी लड़ाई में नहीं है। समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पे अभी निकाय चुनाव में आई, निकाय चुनाव में आई, और वो तब पंकज भाई जब यही सुनीता वर्मा मेयर का चुनाव जीत चुकी है वहां पर, जो आज मेरठ में आपको प्रत्याशी नजर आ रही है समाजवादी पार्टी की, ये वहां चुनाव जीत चुकी, उसके बाद मेयर चुनाव में ये नंबर तीन पे चली गई पार्टी, और इनको MIM ने नंबर टू पे टिप कर दिया, नंबर एक पे भाजपा ही, नंबर टू पे MIM। तो एक बात जो मैं आपसे लगातार कह रहा हूं कि पूरा वेस्टर्न यूपी का चुनाव नॉन यादव लैंड का चुनाव है, नॉन यादव लैंड में भी अगर मुसलमानों की पहली चॉइस साइकिल है, दूसरी चॉइस बसपा है, तो वो अपने आप में मत विभाजन की बात करता है। मत विभाजन जब नहीं हुआ था 2019 में, तब भाजपा ने इस फेस को स्वीप किया था। अब जब मत विभाजन हो रहा है, मैंने देखिए अपनी बात की शुरुआत की थी पंकज भाई ये कहते हुए कि नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरा चुनाव ऐसा कर दिया है जिसमें वो कहते हैं कि आप सांसद का ना चेहरा जानो ना नाम जानो, मेरे नाम पे वोट दो, और कहीं ना कहीं ये चीज लोगों को थका रही है। मैं बिल्कुल नहीं मानता कि कैराना में छत्री वोट निकल के इकरा हसन को वोट कराया, मैं बिल्कुल नहीं मानता कि त्यागी और छत्री वोट निकल के इमरान मसूद को वोट कराया, लेकिन नाराजगी मैटर करती है। वो घर से नहीं निकलते हैं, वो वोट नहीं डालते हैं, और जो अगर भाजपा का वोट घर से नहीं निकल रहा, इस बात से मैंने शुरुआत की थी, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि अगर छत्री वोट की आपको लॉस हुई इस बारे में, तो आपके पास कहीं ना कहीं वेस्टर्न यूपी में राष्ट्रीय लोकदल का वोट भी आया है। नंबर टू, आपके पास इस बात की भी एक सुकून है कि पिछली बार मत विभाजन नहीं हुआ था तो भी आप जीते थे, इस बार मत विभाजन स्प्रेड होता, एक सीट कोई मुझे बता दे जहां पे मुस्लिम मत विभाजित ना हुआ हो। पंकज।